और अल्लाह जल्ला जलालहू कहता है कि मैं जरूर तेरी मदद करूंगा। हाँ, किसी वजह से
शादी होगी दिन होगी, लेकिन इस मजलूम की आह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुंचती है और अल्लाह तबारक व तआला उसको मदद करने के लिए होती है। अब सोचो कि जब अल्लाह ही उसका नासिर बन गया, अल्लाह ही उसका मददगार बन गया, तो फिर उस सूरत में उस मजलूम के आप अल्लाह तबारक व तआला देगा और कितना सख्त बदला देगा वो हमारे सामने है। लेकिन चूंकि हमारे दिमागों में दूसरी चीजें, दूसरे असबाब, दूसरी बातें ऐसी भरी हुई है कि हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला बदला ले रहा है, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है। एक बात, दूसरी हदीस जो तुम्हारे सामने जिक्र की उसमें और ज्यादा चीज बताई गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अगर जुल्म कर लिया, किसी की जमीन दबा ली, किसी के पैसे दबा लिए, किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को जलील कर दिया, ये सब जुल्म में आते हैं, जुल्म के अकसाम है। कयामत में हिसाब किताब भी हो जाएगा, बहुत डरने की बात है। जन्नतियों को जन्नत का सर्टिफिकेट भी हाथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू उन सिरात के ऊपर या जो सीढ़ी होगी जन्नत में जाने की उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला सबको जमा कर देगा और जमा करने के बाद कहेगा कि देखो तुमने मेरे लिए जो कमी की, जो जुल्म किया, जो कोताहियां की, मुझे तो तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम्हारी तस्वीर की भी जरूरत नहीं, तुम्हारी तिलावत की भी जरूरत नहीं, तुम्हारी नमाज की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे सस्ते की भी जरूरत नहीं। ये सब जो काम तुम कर रहे हो तुम्हारे अपने फायदे के लिए, मुझे तो जरूरत नहीं थी। और इसमें तुमने जो कुछ कम किया है, नमाजें कम पढ़ी है, रोजे रखे हैं, कम रखे हैं, सदका तो नहीं किए हैं, तस्बीहात नहीं की, जो तुमने कम किया है, मेरी तो शान में कोई गुस्ताखी या कमी होती नहीं, क्या कोई शान इससे बढ़ती नहीं और मैं इसका मोहताज भी नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू हमारी नमाज का मोहताज नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारी तस्वीर का मोहताज नहीं है, अल्लाह जल्ल जलालहू हमारे सदका के लिए मोहताज नहीं। अगर हम करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं, अल्लाह का कोई फायदा नहीं। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम लोगों ने जो कोताही की थी मेरे हक में, ये भी किस्म का जुल्म था। कोई आदमी तुम्हारा हर किस्म का ख्याल रख रहा हो और तुम उसका ख्याल ना रखो, ये जुल्म नहीं तो है क्या चीज? तो अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि मैंने तो अपने सारे हुकूक माफ कर लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सारे हुकूक छोड़ दिए, जाओ जन्नत का सर्टिफिकेट तुमको मिल गया है, अब तुम जन्नत में जा सकते हो। लेकिन एक दूसरे के ऊपर हुकूक मुकर दिए गए हैं और वो हुकूक अदा नहीं किए, एक दूसरे के ऊपर जो जुल्म किए गए हैं और जालिम को जुल्म का बदला नहीं मिला है, उसको आपस में निकाल लो, उसको आपस में सुलह कर लो और जन्नत में चले जाओ। बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया में हम किसी के दो पैसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जन्नत में जाने के लिए सामने वाले के पास हमारे हुकूक होंगे जो उसने अदा नहीं किए, तो क्या वो फ्री में माफ कर देगा? वो हमारे तबियत तो है नहीं ऐसे। इस वजह से बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है। और साथ में हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये हुकूक की अदायगी एक के दूसरे के जो हुकूक है, ये हुकूक की अदायगी सिर्फ तुम्हारे तक महदूद नहीं रहेगी। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू इन जानवरों को भी फिर दोबारा पैदा करेंगे। हमें तो कायमत में अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, कितनी नेकियां की थी, कितनी बुराइयां की थी, नेकियां ज्यादा है, बुराइयां ज्यादा है, सब हिसाब किताब होगा।
जानवरों को तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके बावजूद जानवरों को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को कहेगा कि जिस जानवर ने, जिस जानवर को जुर्म किया है, किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा है, तो वो बकरी जिसको सींग मारा गया है वो अपना बदला इससे लेगी। बुजुर्गों दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या हदीस में क्या बताया जा रहा है? अल्लाह जैसे जला लो जानवर तक के ऊपर जो जुल्म किया गया है उन जुल्मों को नहीं करेगा, और वहां जानवरों को दोबारा पैदा करेगा। पैदा करने के बाद जिस जानवर ने जिसके ऊपर जुल्म किया था वो अपना बदला लेगा, और बदला लेने के बाद फिर इस जानवर को दोबारा मिट्टी कर दिया जाएगा और कहा कि मिट्टी मिल जाओ, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये सारा कुछ होता रहेगा। एक जानवर दूसरे को मार रहा है, अपना बच्चा दे रहा है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको मिट्टी बना दे रहा है। जहन्नमी जहन्नम से देख रहे हैं क्या हो रहा है, और जब जानवरों को फिर दोबारा मिट्टी बना दिया जाएगा, इनके ऊपर से वो अजाब या जो सजा या जो तकलीफ वो चीज जो थी वो सारे के सारे खत्म हो जाएगी। तो जहन्नमी जहन्नम में कहेंगे कि यार इतनी कुन तो तोरा भाई, काश काश हमें भी मिट्टी बना दिया जाता तो ये जहन्नम के अजाब चैन हो जाए। बुजुर्गो और दोस्तों, जिस वक्त हम लोग सारे के सारे हिंदुस्तान में रहे हुए हैं, और मेरी उम्र के जितने मर्द औरतें हैं या मेरी उम्र के करीब के हैं वो सब हिंदुस्तान की हालत से अच्छी तरीके से वाकिफ है। ये नौजवान तबका जो है गाड़ियों में घूमने वाला, उनको तो अपनी पिछली चीज मालूम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर क्या क्या हालातें आई, क्या क्या चीजें आई हमारे सबके सामने। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्त के सारे दरवाजे खोल रखे हैं, और बहुत कसरत के साथ, मुसत के साथ, अच्छे से अच्छा रिश्त, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा मकान, और अच्छी से अच्छी चीज अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमा है। लेकिन मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो मेरी उम्र के हैं कि जरा आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हिंदुस्तान में हम लोग थे उस वक्त को थोड़ा सा याद कर दो कि हमारे यहां ईद का मौका आता था तो ईद का दूध पकाने के लिए एक महीना पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी कि ईद के दिन हमें दूध की जरूरत है, हमें लेना था। और भी इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सबको मिसाल के जरिए से समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन इस चीज से आप समझ गए।
कि हमें हर चीज में तकलीफ थी। आज BMW मर्सिडीज और पता नहीं कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वहां पर उस वक्त साइकिल भी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त हमें साइकिल भी नहीं दी थी, पैदल चलना पड़ता था और बड़ी मुश्किल होती थी। वो सारी चीजें थोड़ी देर समझ, जब इंग्लैंड में मैं आया तो वो सारी चीजें पुरानी हमारे जहन में थी। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इंग्लैंड में हर जगह फहाशी है, हर जगह बुराई है, शराब की दुकानें हैं, जुगाड़ के अड्डे हैं, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद नेमतों की इतनी भरमार है कि ईद के दिन 15 दिन पहले हिंदू के यहां जाकर हमें दूध का बुकिंग करवाना पड़ता था, तब हम दूध पर खीर पका सकते थे। और यहां जिस वक्त जितना चाहे दूध ले लो और खीर पकाओ, बल्कि शरबत बनाकर पियो, तुम्हारे लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। खाने के सिलसिले में, गोश्त के सिलसिले में, सब में इसी तरीके से राहत ही राहत है। हजरत जानते हैं, तो मुझे ये ख्याल आया कि इतने सारे मदरसे हैं, इतनी सारी मस्जिदें हैं, इतने सारे जमात का मरकज है, सब कुछ है हिंदुस्तान में, क्या नहीं है? इबादत कैसे पास, मस्जिदें भरी हुई है हर जगह पर, हर घरों में कुरान की तिलावत हो रही। उस जमाने में 60 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी ऐसा ही हो गया है। बहरहाल हर जगह कुरान पाक की तिलावत हो रही है, तस्बीह हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन वहां हर चीज में तंगी है। खाने में भी, पीने में भी, दवा में भी, रहने में भी, सहने में भी, सहूलतों में भी, हर चीज में तकलीफ है। और तकलीफ ही उठाकर हम आए, और यहां पर न मस्जिद है, न मदरसे हैं, न इतनी जमातों का दश्त है, न मरकज है, न अल्लाह वाले हैं, न बुजुर्ग हैं, जैसे जितने हिंदुस्तान वगैरह में है। लेकिन यहाँ पर नेमतों की बराबर है, और नेमतों में किसी नेमत में कोई कमी नहीं है। इसकी वजह समझ में नहीं आती। अरे कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए कि नहीं? कभी सोचा आपने कि इसकी वजह क्या है? यहां तो बड़े ऐश से गुजरती है, बड़ी राहत से गुजरती है, लेकिन हम ही लोगों के ऊपर वहां बड़ी मशक्कत से गुजरता था, और उन्हीं लोगों के ऊपर जब यहां गए तो इतनी सारी राहत है। हालांकि अल्लाह तबारक वताला कि उस जमाने में तो अजान भी माइक में यहां नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, होती ही नहीं थी। अजान की आवाज भी नहीं आ रही, नमाज की भी आवाज नहीं आ रही है, तिलावत की भी आवाज नहीं आ रही है, और सब कुछ ही बहुत दिनों के बाद गौर करते 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 अल्लाह तबारक व तआला ने वजह दिल में डाली। और वो वजह ये हदीस जो भी मैंने पढ़ी और आगे जो आ रही है उसकी वजह से है कि हुकूमत जो है वो जुल्म के साथ नहीं चल सकती, चलेगी लेकिन वो महदूद वक्त के लिए चलेगी। फिरौन होगा कोई, हिटलर होगा कोई, वरना तो वो चलाएगा तो सही, जुल्म करेगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, लेकिन जब वो बर्तन भर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका तख्ता ऐसा पलट कर रख देंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और किस तरीके से। यहां आने के बाद देखा कि हुकूमत मुशरिकाना है, फासेकाना है, फाजेराना है, जो कह दो, जो लकब दे दो, सब कहना दुरुस्त है, लेकिन हुकूमत जालिमाना नहीं, हुकूमत जालिमाना नहीं। वहां मौजूदा जो क्वीन है, उस क्वीन की एक बहन है, रोड के ऊपर स्पीड की लिमिट है वहां पर, उस लिमिट से उसने ज्यादा गाड़ी चलाई, फौरन पुलिस ने वही रोका और वही रोककर उसको टोकन पकड़ा दिया कि तुम्हारे को जुर्माना है, जुर्माना दो। टोनी
प्लेयर या इसके अलावा दूसरे जो वजीर आजम गुजरे हैं उनके लड़के किसी काम में पकड़े गए, इसलिए कि 16 साल से कम उम्र के लड़के को शराब खाने में जाना जायज नहीं है। वो वहां पहुंच गया, उसने गुनाह किया, वहीं पर उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि वहां जुल्म नहीं होता, वहां ये नहीं देखा जाता ये एशियन है, ये यूरोपियन है, ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है, देखा नहीं जाता। वहां कानून को देखा जाता है कि कानून की मुआफ़िकत की इसने या मुखालिफत की। बल्कि वहां तो यही कहा जाता है कि हुकूमत इतनी इंसाफ पसंद है कि अगर एक पैसा तुम्हारा हुकूमत पर निकलता होगा तो वो हुकूमत तुमको जरूर देगी, उठा नहीं जाएगी। और अगर एक पैसा तुम्हारा निकल तुम पर निकलता होगा तो हुकूमत छोड़ेगी नहीं, जरूर वसूल करेगी। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इस पर हम अब थोड़ी देर के लिए अपने मुतालिक गौर करें, अपने मुतालिक सोचें। हमारे यहां हिंदुस्तान में देखो, या जहां हम लोग हिंदुस्तानी हैं यहां पर भी है, तो हमारी आदत तो वही है, ताकत के जोर पर, मान के जोर पर, ऊंचाई के जोर पर, बड़े होने के नाते में हम एक दूसरे के ऊपर दबाते चले जाते हैं। शौहर बीवी को जितना दबा सकता है वो दबाता है। बीवी का जो हक है, जो शरीयत ने दिए हुए हैं, वो पूरी तरीके से अदा नहीं करता। खुद तो दूसरे का हक अदा नहीं करता और अपना हक पूरा चाहता है कि मेरा हक पूरा अदा किया जाए। बुजुर्ग और दोस्तों, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जुल्म के और जालिम के दर्जे में आती हैं। हम जुल्म सिर्फ थप्पड़ मारने को ही जुल्म समझते हैं, ये थप्पड़ मारना जुल्म नहीं है, बल्कि जुल्म के मुताबिक ये सारी चीजें अभी भी, मरने के बाद भी, कयामत में भी, हिसाब किताब के बाद भी, जन्नत में जाने से पहले भी, जब तक कि ये जुल्म का बदला साफ साफ नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नहीं मिलेगी। इस वजह से हमें तौबा करने की जरूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म करने के मुताबिक क्या क्या वबाएं और सजाएं और तकलीफें बताई है, वो इंशाल्लाह आगे हदीस में आएगी। लेकिन इजमाली तौर पर यह समझ लो कि जुल्म बहुत ही चीज है, जालिम बहुत ही बड़ी चीज है और जुल्म से बचने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हज़रात को भी जुल्म से बचने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।